नमस्कार दोस्तों, क्विक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इन चार नाम वाली लड़कियों को भूलकर भी मत बनाना गर्लफ्रेंड। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी चार नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आपको कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। कौन सी है वो चार नाम वाली ऐसी लड़कियां, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हो सकता है आपकी प्रेमिका का नाम भी इनमें शामिल हो। लेकिन सबसे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। अब चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के जमाने में हर लड़का यही चाहता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात को शेयर कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई गलत तरह की प्रेमिका आ जाती है तो मन में एक ही विचार आता है कि ऐसी प्रेमिका होने से इसका ना होना ही अच्छा है। दोस्तों, कहीं आपके जीवन में भी ये गलती ना हो जाए, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको बचकर रहना चाहिए, वरना आप कई सारी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिससे कई लड़के परेशान हो सकते हैं। ऐसे में आप इन नाम वाली लड़कियों की आदतों को अच्छे तरह से जान लें और समझ लें। इसके बाद ही अगर आपको लगता है कि आप इनकी इन आदतों को झेल सकते हैं तो ही इन्हें गर्लफ्रेंड बनाने की ओर कदम बढ़ाएं, अन्यथा आप इन्हें प्रेमिका बनाने से जितना परहेज करेंगे उतना ही आपके दिमाग में शांति रहेगी। कौन सी हैं वो लड़कियां, आइए दोस्तों अब आपको हम बिना किसी देरी के विस्तार से बताते हैं। नंबर एक, ए नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, जिन लड़कियों का नाम ए अक्षर से शुरू होता है वे लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। उन्हें सभी चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए होती हैं। ऐसे में जब उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो ये नखरे दिखाना शुरू कर देती हैं। ये स्थिति को लॉजिक के साथ नहीं समझ पाती हैं और पूरा दोष अपने बॉयफ्रेंड पर डाल देती हैं। इसलिए हमारी यही सलाह होगी कि इन लड़कियों को वे ही लड़के अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं जिन्हें नखरे झेलने की आदत हो। नंबर दो, एल नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, इस नाम की लड़कियों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, साथ ही ये थोड़ी झगड़ालू भी होती हैं। दोस्तों, ये किसी भी व्यक्ति से लड़ाई करने के लिए एक पांव पर ही बैठी रहती हैं। गुस्सा आने पर ये सामने वाले को उल्टा सीधा भी बोल देती हैं। ऐसे में दोस्तों, इस बात के पूरे चांस हैं कि ये अपने बॉयफ्रेंड पर भी आए दिन गुस्सा होती रहेंगी। इसलिए इन्हें सिर्फ वही लड़के गर्लफ्रेंड बनाएं जिन्हें लोगों का गुस्सा हैंडल करना अच्छे से आता हो। नंबर तीन, पी नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, इस नाम की लड़कियां बड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं। ये एक बार किसी बात को पकड़ के बैठ जाएं तो इन्हें मनाना बहुत मुश्किल काम होता है। दोस्तों, ये अपनी जिद की वजह से रोना धोना या गुस्सा करना और चिल्लाने जैसी हरकतें करने लगती हैं। इनके इस व्यवहार के कारण सामने वाले को ना चाहते हुए भी मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है। इसलिए इन्हें सिर्फ वो ही लड़के अपनी प्रेमिका बनाएं जो दूसरों के जिद्दीपन को झेल सकते हैं। नंबर चार, आर नाम वाली लड़कियां। जी हाँ दोस्तों, जिन लड़कियों का नाम आर अक्षर से शुरू होता है वो बहुत चिपकू होती हैं। ये एक बार किसी से दिल लगा लेती हैं तो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती हैं। ये आपके पर्सनल स्पेस का ख्याल नहीं रखती हैं और बार बार आपको फोन पर आपकी पल पल की खबर रखती हैं। ये काफी शक्की भी होती हैं और कई बार तो अपने बॉयफ्रेंड की जासूसी तक कर लेती हैं। अगर आपने इन्हें धोखा दे दिया तो ये काफी खतरनाक भी साबित होती हैं। इसलिए दोस्तों, इन्हें ऐसी स्थिति में ही गर्लफ्रेंड बनाएं जब आप इनसे शादी को लेकर सीरियस हैं और इनका चिपकूपन बर्दाश्त कर सकते हो। तो दोस्तों, यही वो चार नाम वाली ऐसी लड़कियां हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं और आपको इन्हें सोच समझ कर ही प्रेमिका बनाना चाहिए। वैसे आपकी प्रेमिका का नाम किस अक्षर से शुरू होता है आप हमें
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।